नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। छोटे किसान भारत की सबसे बड़ी ताकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कई देशों में काम आ सकता है हमारा मॉडल। केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी का काम करते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा समाज में महिलाओं की भागीदारी अहम। सदन में अनुप्रिया पटेल के बयान पर उखड़ पड़े असदुद्दीन ओवैसी, कहा आप मंत्री हैं और आपको ये भी नहीं पता कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सरकार का डेटा है। महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली में छाए रहेंगे बादल, यूपी बिहार और झारखंड में होगी झमाझम बारिश। वायनाड में अब भी 206 लोग लापता, बचाव अभियान पांचवें दिन भी जारी, जुटे 1300 कर्मी। कृषि के बाद टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार, संस्कृत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले इसे बनाएंगे अर्थव्यवस्था का ड्राइवर। मणिपुर में शांति समझौते के बाद भी हिंसा, 24 घंटे भीतर एक घर में लगा दी गई आग। भूस्खलन के कारण जिन लोगों को घर छोड़ने पर होना पड़ा मजबूर, उनके घरों में ही हो रही है लूट। मासूमों सहित 215 के शव हुए बरामद, अभी भी अधर में 206 जाने, 1419 कर्मियों ने झोंकी ताकत। भगवान कृष्ण ने लगाई थी पहली लोक अदालत, सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में बोले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। IAS कोचिंग हादसे के बाद फायर डिपार्टमेंट का सर्वे, दिल्ली के 461 कोचिंग सेंटर सुरक्षा ऑडिट में हुए फेल। कोटे में कोटा पर चिराग पासवान ने भी खोला मोर्चा, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, डालेंगे रिव्यू पिटीशन। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने दिल्ली मेट्रो की सवारी की, आला अधिकारी साथ रहे मौजूद। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर भीषण हादसा, तिरुमला एक्सप्रेस के 4 डिब्बों में लगी आग। हिमाचल में फिर फटे बादल, 45 लोग अब भी लापता, उत्तराखंड में फंसे 1300, बंगाल झारखंड में बारिश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों की सुनी समस्याएं, दूर दूर जिलों से समस्याएं लेकर पहुंचे हैं फरियादी। गाजीपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, अयोध्या रेप कांड के बयान पर दी प्रक्रिया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा, डबल डेकर स्लीपर बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, बलात्कार पीड़िता के लिए चिकित्सीय प्रबंध कराएं। मिर्जापुर में छन्नूलाल मिश्रा अपने ही परिवार से हैं पीड़ित, वाराणसी छोड़ मिर्जापुर में रहने को हुए मजबूर।
नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद माता प्रसाद पांडे पहुंचे सिद्धार्थनगर, सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को कुचला, पति पत्नी की मौत, बेटी गंभीर रूप से हुई घायल। हापुड़ में युवती के साथ बस में चालक की ओर से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। अयोध्या मामले में एक्शन में सरकार, योगी सरकार का बड़ा एक्शन, भदरसा पुलिस चौकी का पुलिसकर्मी रोहित यादव सस्पेंड। आगरा में थाना आवास परिसर में जमकर हुआ बवाल, महिला इंस्पेक्टर से मारपीट का मामला सामने आया। आगरा में ताजमहल के अंदर जल चढ़ाने का मामला, सीआईएसएफ ने विनेश चौधरी और श्याम बाबू को पकड़ा। अयोध्या में नाबालिका से गैंगरेप का मामला, मामले पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने किया पोस्ट। बहराइच में महिलाओं का आपस में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, मामूली कहासुनी के बाद महिलाओं में जमकर हुई मारपीट। बुलंदशहर के अस्पताल पहुंची युवती ने बच्चे को दिया जन्म, पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची थी युवती। फरुखाबाद में बालू खनन माफिया हुए बेखौफ, खनन निरीक्षक के ड्राइवर पर किया जानलेवा हमला। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पोस्ट, अखिलेश पीड़िता के मामले में गुमराह ना करें। लखनऊ में दे आईएएस एकेडमी की लिफ्ट फंसी, कई प्रतियोगी छात्र छात्राएं लिफ्ट में फंसी। रील की आड़ में हुई हुल्लड़बाजी, पड़ेगी भारी, लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में हुल्लड़ पड़ेगा महंगा। लखनऊ में वृंदावन योजना सेक्टर 9 में धसी सड़क, आवास विकास नगर निगम गड्ढा भरने में जुटा। लखनऊ में घूसखोर दरोगा हुआ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार। लखनऊ में पीडीए कार्ड खेलने के बाद सपा की नई रणनीति, ओबीसी दलित संघ ब्राह्मणों को साधने की तैयारी में सपा। मैनपुरी में मंत्री जयवीर सिंह का दौरा, कार्यालय पहुंचकर जनता की सुनी समस्याएं। केदारनाथ में बादल फटने से आई आपदा, आपदा में हापुड़ जिले का युवक भी लापता हुआ। जालौन में खनन माफियाओं की दबंगई आई सामने, जब्त ट्रक को जबरन छुड़ा के ले गए खनन माफिया। युवक की मौत के मामले में परिजनों का हंगामा देखने को मिला, जालौन के विशाल मेगा मार्ट में काम करता था युवक। ललितपुर में एमएलए राम रतन कुशवाहा ने की सीएम से मुलाकात, सीएम योगी से मिले राम रतन कुशवाहा।
उन्नाव में युवक को दबंगों ने दी तालिबानी सजा, मोबाइल चोरी करने के आरोप में जमकर पीटा। सीएम योगी आदित्यनाथ का 15 अगस्त को लेकर आदेश, 9 से 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा तिरंगा, शहीद स्मारक स्थलों पर बजाए जाएंगे गीत। मुरादाबाद से अब लखनऊ के लिए सीधी उड़ान, 10 अगस्त से शुरू होगी सेवा, टिकट की बुकिंग हुई चालू। दिल्ली हाईवे की दोनों लेन पर अब सिर्फ कांवड़िए चलेंगे, बाइक और कारों का संचालन भी रोका गया। नैनीताल में दरोगा पिटता रहा और टीम देखती रही, पीड़ित ने साझा की पीड़ा, कहा महाकर्मियों को भी नहीं बख्शा। नीप करौरी आश्रम के दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह ने टीम के नए कोच पर रखे अपने विचार किए खुलासे। जनता से सीधा संवाद करें मंत्री, सीएम बोले जनप्रतिनिधियों के सुझाव से होगा सुनियोजित विकास। केदारनाथ में M1-17 से 50 यात्रियों को निकाला गया सुरक्षित, विंग कमांडर शैलेंद्र बोले रेस्क्यू में मौसम बन रही बाधा। श्रीनगर में यूजी में प्रवेश शुरू, समर्थ पोर्टल पर 11 तक पंजीकरण, 10 दिन का समय दिया गया। लोअर पीसीएस भर्ती रिक्त पदों के अधियाचन भेजने में विभाग सुस्त, 2021 के बाद से इंतजार। बुजुर्गों के लिए अलग आवास को सरकार बना रही है नीति, सीनियर सिटीजन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। जनता से सीधा संवाद करें मंत्री, सीएम बोले जनप्रतिनिधियों के सुझाव से होगा सुनियोजित विकास। देहरादून में निगम निकाय के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, 5वें और 6ठे वेतनमान वालों को मिली सौगात। पेट्रोलिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के तंगधार में बलिदानी हुए सत्य सिंह बिष्ट, परिवार में पसरा मातम। सीएम धामी के अधिकारियों को निर्देश, हर ब्लॉक में 5-5 आदर्श गांव बनाए जाए। राज्यसभा में बोले सांसद नरेश बंसल, उठाया ग्रीन बोनस और फ्लोटिंग पॉपुलेशन का मुद्दा। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए मध्य प्रदेश के एक यात्री की हुई मौत, जानकी चट्टी में बिगड़ी थी तबीयत। देहरादून जैसे शहर में बढ़ते पार्किंग संकट ने उड़ाई MDDA की नींद, हर रोज बढ़ रही है परेशानी। देहरादून में यातायात व्यवस्था संभाल रहे सिपाही पर कार चढ़ाने की कोशिश, 30 मीटर तक घसीटा। इसराइल को सता रही ईरान की ओर से हमले की चिंता, अब अमेरिका और ब्रिटेन से मांगी मदद। हमास नेता इस्माइल हानिया का दावा, इसराइल पर दागे 50 रॉकेट, पश्चिम एशिया में टकराव बढ़ने का खतरा।
यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, वेनेजुएला में रूसी सैनिकों की तैनाती चिंताजनक, ये जहां जाते हैं अराजकता फैलाते हैं। पीएम मोदी के अभियान से जुड़े प्रवासी, एक पेड़ मां के नाम के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ डिबेट से पीछे हटे डोनाल्ड ट्रंप, मंच पर बहस की कर दी चुनौती। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विश्वविद्यालय प्रमुखों के साथ आपात बैठक बुलाई, छात्र नेताओं ने मांगा इस्तीफा। पनडुब्बी आईएनएस शाल्की कोलंबो पहुंची, श्रीलंका नौसेना को परिचालन के बारे में दी जाएगी जानकारी। अमेरिका ब्रिटेन की अपने नागरिकों को सलाह, तुरंत लेबनान छोड़े, कहा जो भी फ्लाइट मिले टिकट लेकर तुरंत निकले। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए भेजे हथियार, नए फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात करेगा। ईरानी एजेंट्स ने ही करवाई हानिये की हत्या, इंटेलिजेंस अफसर समेत 24 गिरफ्तार। नौवीं बार रेपो दर स्थित रख सकता है आरबीआई, मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 से, नतीजा 8 अगस्त को। देश की 75,000 ग्राम पंचायतों में हो रहा है डिजिटल कामकाज, बड़े राज्यों से आगे छोटे सूबे। जागी रोड में सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र का भूमि पूजन हुआ, सीएम शर्मा ने कही ये बात। वैश्विक खाद्य संकट के समाधान के लिए काम कर रहा है भारत, कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। पहली तिमाही में एसबीआई का शुद्ध मुनाफा 17,035 करोड़ रुपए रहा, ब्याज से आमदनी 16% बढ़ी। एनसीएलटी ने बीसीसीआई के साथ बायूस के समझौते को दी मंजूरी, दिवालिया कार्रवाई निरस्त। आईआरडीआई ने एचडीएफसी लाइफ पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया, कंपनी ने नियम की फाइलिंग में दी जानकारी। सोना एक हफ्ते में 2,261 महंगा हुआ, तो वहीं चांदी की कीमत 2,230 रुपए बढ़ी। बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 10% बढ़कर 1,702 करोड़, अप्रैल जून तिमाही में आय 15% बढ़ के 18,240 करोड़। एफडी पर ज्यादा रिटर्न के लिए सही जगह करें निवेश, पीएनबी और बीओआई सहित कई बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें। भारतीय हॉकी टीम की नजरें सेमीफाइनल पर, ग्रेट ब्रिटेन से होगी कांटे की टक्कर। निशांत देव को लगा बड़ा झटका, क्वार्टर फाइनल में अलोंसो ने हराया, पदक पक्का करने से चूके। इतिहास रचने से चूके भारतीय मुक्केबाज निशांत देव, मैक्सिको के मुक्केबाज ने हराया।
मुक्केबाज इमाने और यूटिंग के समर्थन में उतरे आईओसी अध्यक्ष, बात आलोचना को लेकर दिया जवाब। क्वार्टर फाइनल में आगे नहीं बढ़ सकी दीपिका, भजन का सफर अंतिम 16 में खत्म। चोट से जूझ रही श्रीलंका टीम को लगा एक और झटका, प्रमुख खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा हुआ वनडे सीरीज से बाहर। दिल्ली प्रीमियर लीग खेलेंगे ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा और हर्षित राणा भी रहे पहली पसंद। ईशान किशन जोरदार वापसी के लिए तैयार, कप्तानी का मिल सकता है दारोमदार। पृथ्वी शॉ ने फिर खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, तूफानी पारी खेल, गेंदबाजों के उड़ाए होश। हताश निराश होकर मनु भाकर ने खेल छोड़ विदेश में पढ़ाई करने का लिया था बड़ा फैसला, अब बनी देश का गौरव। अमिताभ बच्चन ने शेयर किया भावुक पोस्ट, कहा ये ऐसा पल है जब आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। अनन्या पांडे ने बॉडीकॉन ड्रेस में शेयर की खूबसूरत तस्वीर, हार्दिक पांड्या संग जुड़ा एक्ट्रेस का नाम। उलझ के आगे चला औरों में कहां दम था का जादू, फिल्म पर हुई नोटों की बारिश। सुनिधि चौहान ने बॉलीवुड में संगीत माफिया पर तोड़ी चुप्पी, बोली मुझे आज भी कई फिल्मों के लिए पैसे नहीं मिले हैं। न कोई खलनायक न मारपीट, फिर भी आज तक हिट है हम आपके हैं कौन, रिलीज को 30 साल हुए अब पूरे। सुर्खियों में नवाजुद्दीन की नई फिल्म, जज उपेंद्र नाथ राजखोवा की बायोपिक में आएंगे नजर। मेरे प्यारे भाई हमेशा ऐसे ही रहना, राजकुमार ने खास अंदाज में दी अमर कौशिक को जन्मदिन की बधाई। अमिताभ की नातिन नव्या का सिद्धांत चतुर्वेदी से हुआ ब्रेकअप, अलग होने के बाद भी हैं दोस्त लेकिन सोशल मीडिया पर बनाई दूरी। रायमा ने नानी सुचित्रा पर बायोपिक करने की इच्छा जताई, बोली वो पब्लिक में काम कम दिखती थी। वीर जारा में ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहते थे मनोज बाजपेयी, गेस्ट रोल निभाने पर बोले 4 दिन में ही शूटिंग पूरी हो गई। प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस